हेलो दोस्तों, अभी अभी एक मूवी रिलीज हुआ है जिसका नाम है आदि पुरुष। वो बोला जा रहा है कि पूरा रामायण पे बेस्ड है, मगर मुझे और पूरा इंडिया के ऑडियंस को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये मूवी इतना ख़राब है कि आप देख सकते हैं पूरा बादल काला काला घेर चुका है, घनघोर बादल हो चुका है। अब बहुत तेज़ी मतलब प्रलय आने वाला है, क्योंकि ये मूवी में इतना वाहियात दिखाया गया है कि आपको बताया नहीं जा सकता है। एक तो छपरी रावण है, मंदोदरी कम लग रही हैं और उस पर से वो मॉडलिस्ट ज़्यादा लग रही है। उसके बाद हनुमान जी का तो लुक ऐसा कर दिया, बौना सा बना दिया हनुमान जी का, कि हनुमान जी को हम एक विराट रूप में देखते हैं, यहाँ पे उनका ये हालत करके रख दिया है। दूसरी बात है तो प्रभास भाई जीसस क्राइस्ट जैसा खड़े हैं उनको, और पूरा मूवी में भाई साहब का मुंह नहीं खुल रहा है, कुछ वाणी वचन कुछ बोलने नहीं पा रहे हैं, मतलब ये हालत बना करके रख दिया है। तो इसी वजह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये काला बादल जो है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये घनघोर बादल जो छाया हुआ है, ये आदि पुरुष का ही देन है कि ये जो बादल है अब ये मानव जाति को छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो जो डायरेक्टर हाँ जो जो राइटर हैं इसके हैं, उनको तो एकदम मतलब बाण मारेंगे, बाण जहाँ लगेगा उनका बाण वहाँ दर्द होगा उन्हें, तो आज वो थंडर स्ट्रोक के माध्यम से बाण मारेंगे। इंद्रजीत भाई साहब को बना दिया है साउथ दिल्ली का जो टैटू वाला दुकान है, वहाँ से पूरा टैटू गुथवा करके इंद्रजीत को यहाँ पे इस मूवी में बना करके दिखा दिया गया है। सीता माँ का डायलॉग सुने हो यार, मतलब छपरी निब्बी भी फेल है यार। रावण आता है तो बोलता है कि यार तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, तो बोलती है कुछ ऐसा चीज़ दो यार जो ज़्यादा दिन तक चले, दिल तो कभी भी चेंज हो सकता है, क्या वक्त चल रहा है यार। मैं लिटरली मतलब ये मूवी देखने के बाद तुरंत रामानंद सागर का रामायण लगाया हूँ टीवी पे, और उसको देख करके मतलब अपने आप को तृप्त किया हूँ, अपने आप को मतलब शुद्ध किया हूँ एकदम। ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे छपरी वाला मूवी दिखा दी यार। उसका नाम आदि पुरुष तुम लोग रामायण से क्यों रिलेट कर रहे हो यार, कुछ ऐसे लिख दो कि एक ऐसी बाहुबली जो है, बाहुबली जी के ऊपर जैसे बनाए थे, बस एक नाम दे दो यार कि हाँ एक प्रेम कथा के ऊपर बना रहे हैं, एक औरत है एक मर्द है जा करके अपनी बीवी को बचा के ला रहा है, बस वो दूसरा मूवी का नाम दे दो यार। तुम लोग उसको रामायण से कैसे रिलेट कर दिए, हिम्मत कैसे हुआ तुम लोग का ये चीज़ करने का। तो दोस्तों उसमें एक और है जो मतलब दाढ़ी वाला हनुमान जी हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि जब बजरंगबली जो हम लोग का रियल में जैसे कि जाते हैं लंका में, वहाँ पे अब जा करके पूछ में जब आग लगा जाता है, तो वहाँ पे उस छपरी जो कैरेक्टर बनाया हनुमान जी का, उनका डायलॉग सुनिए, ये तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, और जलेगा भी तेरे बाप का। आपको पता है रावण कितना भी कमीना था, मगर ये ऐसा छपरी मतलब लोगों को साथ वो कभी वार्तालाप नहीं करता था। और दूसरी बात, रावण के पिताजी बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, तो जलेगा भी तेरे बाप का मतलब उसको क्या समझ के रखे हो रावण के बाप को, हाँ कुछ भी। और यहाँ पे जली तेरी जली, ये क्या है भाई, तुम लोग मूवी बना रहे हो क्या, मतलब क्या परोस दे रहे हो। पूछा गया जब राइटर से कि आप ऐसा क्यों बनाया, तो बोलता है कि दादी अम्मा सुनाती थी स्टोरी उसको ऐसी, तो भाई तुम्हारी दादी अम्मा तुमको स्टोरी सुनाई थी, हमारी दादी अम्मा तो ऐसे स्टोरी नहीं सुनाई कि भाई तेरे बाप की तेरे बहन का इज्जत बचाने आ गया है। यार बजरंगबली बोल रहे हैं क्या, अब चोर निक करके रख दिया तुम लोग यार, मतलब हमारे आस्था के साथ खेलना बंद करो और ये सब चीज़ को बंद करो यार। मूवी तो ऐसे ही आपको पता है नेपाल काठमांडू ये सब जगह में सब जगह बैन हो चुका है, इंडिया में भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग भी मत जाइए, मत जाके देखिए। रामानंद सागर का अगर अभी भी लग जाएगा ना हॉल में, 3 दिन में 600 करोड़ पार कर जाएगा। अरे छपरी VFX यूज़ करके 600 करोड़ का बनाए, पता नहीं क्या। रावण भाई साहब उसको कुछ और नहीं मिला है यहाँ पे, भाई गुड़गांव में आ जाओ भाई, मसाज मिल जाएगा इधर तुमको, तुम साले वहाँ पे अजगर से मसाज ले रहे हो, अलग ही नशा चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा नशा फूक करके ये लोग मूवी बना देते हैं यार। मतलब कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या है टॉपिक, क्या है स्टोरी, क्या दिखाना है नहीं दिखाना है, अपना ही रामायण खुद का बना लिए हैं भैया, ऐसे नहीं चलेगा ठीक है। ऐसे किसी आस्था के साथ ठेस नहीं पहुँचाइए,
है तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा। और यहाँ पे भाई दिखा रहे हो कि तुम इतना कमा लिए, भाई तुम कमाने के लिए इस मूवी को बनाए थे क्या? यहाँ पे किसी आस्था को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, किसी की श्रद्धा है, जो चीज़ रामायण है हमारी श्रद्धा है, उस चीज़ को तुम रिप्रेजेंट करने के लिए तुम वहाँ पे लेकर गए थे। तुम यहाँ पे दिखा रहे हो कि भाई इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया, क्योंकि आदमी को पता नहीं था ना, तुमने ऐसा हाइक बनाकर रख दिया कि बहुत अच्छा ये है वो, तो आदमी गया था देखने, बट जो देख के आए सब घड़ियाल है बाहर में निकल के। ठीक है, प्रभास का जो पहले का इज्जत था वो और डाउन हो गया, इतना अच्छा बाहुबली से बना करके रखा था बट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रलय का आगाज हो चुका है, तो ये मूवी अगर आप देखने जाएंगे तो फिर वो प्रलय आपका बांध लग जाएगा। तो फिलहाल जो भी था, मतलब मूवी बहुत ही वाहियात था, मेरा रिव्यू तो यही है, एक भी रेटिंग नहीं देंगे भाई इस मूवी को, मतलब ये आस्था से जुड़ा हुआ तो कोई रेटिंग वेटिंग देने का जरूरत नहीं है। अगर सही में वीडियो अच्छा लगा, और देखिए बारिश भी प्रलय शुरू हो गया है क्योंकि हमने देख लिया था मूवी, तो इसलिए मुझे बख्शा नहीं जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ कि तेज़ होने लगा बारिश, और वीडियो सही में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।